फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 2015 यूपी बोर्ड में पूछा गया भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, और हम उन्हीं प्रश्नों को बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सारे सवालों के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पढ़ते हैं पहला सवाल। 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 8 घंटे जलाने पर वे ऊर्जा की गणना कीजिए। किलोवाट घंटा तथा जूल में भी ज्ञात करना है, ठीक है। 500 वाट यानी शक्ति की पावर दी गई है, पी बराबर 500 वाट, ठीक है। बल्ब को 8 घंटे यानी टी बराबर कितना दिया गया है, 8 घंटा। ध्यान समझना बच्चों, 8 घंटा दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या है, ई निकालना है पहले। तो ई बराबर फॉर्मूला होता है, यानी जूल बराबर होता है पी गुड़े टी, ठीक है। तो पी हमारा कितना दिया है, 500, और टी दिया है 8। तो 5 × 8 = 40 यानी 4000 वाट घंटा, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब वाट घंटा को हम बदल देंगे किलोवाट घंटा में। तो जब किलोवाट घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4000/1000। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल। तो यहाँ आप कितना बचेगा, 4 किलोवाट घंटा, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा जूल, अब 1 किलोवाट निकालना है, कितना निकालना है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है 3.6 × 10^6 जूल होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 × 10^6 जूल होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट हमारा कितना निकल आया था, 4। तो 4 बराबर हमारा हो जाएगा 3.6 × 10^6 × 4, ठीक है। इससे इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14.4 × 10^6 जूल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये 2 सवालों का डोज आपका चलता रहेगा और इनको नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे। अगला सवाल दिया है, एक वैद्युत मोटर को 440 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी है। तो मोटर की दक्षता 80% हो तो 10 मिनट में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टंकी में कितना जल चढ़ाया जा सकता है। यानी यहाँ पर एक टंकी दी गई है, तो उस टंकी को 40 मिनट में कितना जल हम इस जगह पर चढ़ा सकते हैं, जो जल यहाँ पे चढ़ना है, ठीक है। तो हमारा एच दिया गया, हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, 40 मीटर, ठीक है। समय टी बराबर कितना दिया गया है, 10 मिनट, ठीक है। तो मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे तो हो जाएगा 10 × 60, ठीक है। और हमारा जी बराबर कितना दिया गया है, 10 m/s², ठीक है। और वोल्ट कितना दिया गया है, वी बराबर दिया गया है 440 वोल्ट, ठीक है। और आई बराबर दिया गया है 10 एम्पियर। दिया गया, ठीक है। और दक्षता यानी एफिशिएंसी दी गई है 80%, ठीक है। ये तुम्हारे सवाल दिए गए। तो हम पहले P बराबर यानी पावर शक्ति निकाल लेते हैं। P बराबर होता है V इंटू आई। V कितना दिया था, 440 वोल्ट। I कितना दिया है, 10 एम्पियर, ठीक है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4400 वाट, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया ना। फिर P1 निकाल लेते हैं। P1 बराबर गुड़े 80%, यानी एफिशिएंसी कितनी दी गई थी, 80% बराबर। तो P1 हमारा कितना आया है, 4400 वाट। ये P1 बराबर है हमारा 4400 वाट गुड़े 80/100, ठीक है। तो इसको हम अलग 0 से 0 कट कर देंगे,
तो यहाँ बचेगा हमारा 440 गुणे 8 यानी 3520 वाट, यानी P2 बराबर हमारा कितना आ गया 3520 वाट आ गया। समझ गए इतना, ये P2 मान हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, हम कार्य निकाल लेंगे, यानी ऊपर ले जाने जब टंकी से पानी ऊपर जाएगा तो उसमें कितना कार्य, कितनी क्षमता लगेगी, यानी W बराबर P × T। ठीक है, तो P हमारा कितना आया है 3520 और T कितना दिया है 10 × 60। ठीक है, जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2112000। ठीक है, जो ये हमारा गुणा करने पर आएगा, यानी W बराबर ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब कार्य W बराबर क्या होता है, MgH होता है, ये सूत्र हमारा है। W बराबर क्या होता है, MgH होता है। तो M हमें निकालना है, तो M जब बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा W बटे G × H। तो W हमारा कितना दिया है 2112000, जी कितना दिया है 10 और H कितना दिया है 40 दिया। ठीक है, 0000 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना 21120/4। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5280 kg। ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए, तो ये था आपका पूरा सवाल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे आपको जो अंक प्रश्न हैं न्यूमेरिकल सब आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।